आइए सुनते हैं अपने व्यक्तित्व को महान बनाने वाली और जीवन को निखारने वाली एक प्यारी घटना। एक घर में काम वाली बाई काम करने जाया करती थी। वो घर के हर काम बड़े सलीके से करती और ऐसा लगता कि जैसे वो घर की ही सदस्य हो। घर वाले भी उसे बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे और अपने परिवार के सदस्य जैसा ही प्रेम दिया करते थे। एक दिन मालकिन ने उसे कहा कि कल से तुम किचन में कोई काम नहीं करोगी, क्योंकि मैंने इसके लिए दूसरी व्यवस्था कर ली है। ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगा। तीसरे दिन ये सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मालकिन ने कहा कि आज के बाद तुम्हें कपड़े भी धोने की जरूरत नहीं है, उससे अगले दिन जब मालकिन ने यह कहा कि आज के बाद तुम झाड़ू पोंछा बर्तन से जुड़ा कोई काम नहीं करोगी, तो उसका चेहरा उतर गया। उसे लगा कि मालकिन उसे काम से निकालने वाली है, नौकरी से छुट्टी देने वाली है। और हकीकत में मालकिन ने दूसरी नौकरानी को भी बुला लिया, उसे सारे काम भी समझा दिए। यह सुन काम वाली बाई घबरा गई और उसने हिम्मत करके मालकिन से पूछा, आखिर मेरा ऐसा क्या दोष है जो आप मुझे नौकरी से बाहर निकाल रही है? मैं तो इस घर को अपना घर मानकर हर काम बड़े सलीके से किया करती हूँ। मालकिन ने कहा, अरे पगली, मैं तुझे नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ। हकीकत यह है कि जब मैं डिलीवरी केस में थी तो तूने मेरी बड़ी सार संभाल की थी, मेरे बच्चे का भी बड़ा ध्यान रखा था, मुझे किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने दी। मैं औरत हूं और औरत का दर्द भली भांति समझ सकती हूं। मुझे मालूम है कि तू भी गर्भवती है। अब आज के बाद तू काम नहीं करेगी, अब केवल आराम करेगी, केवल आराम करेगी। तूने काम बहुत कर लिया और काम करके मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं चाहती हूं कि तू भी आराम करे। तुझे तनख्वाह तो उतनी ही मिलेगी, तुझे पगार तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन अब मालकिन तुझे पैसे के साथ साथ अपना प्यार भी लुटाएगी। जब काम वाली बाई ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, वारे मालकिन, आप इतनी महान हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। धन्य है आपकी इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा महान स्वभाव कि आप किसी गरीब के दुख दर्द को भी इतने अच्छे से समझ सकती हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि घर में, दुकान में या ऑफिस में जो भी हमारे आश्रित कर्मचारी हैं, जिनके लिए हमारे अलावा और कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो हम उन्हें केवल सामान ही न दें, वरन सामान के साथ साथ सम्मान भी दें, केवल पैसे ही न दें, पैसे के साथ साथ प्यार भी दें, और उनके जीवन में कभी दुख की घड़ी आ जाए तो अपना दिल बड़ा करके उन्हें सहयोग करने में कभी पीछे न रहें, क्योंकि हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। याद रखें, प्रार्थना करने वाले होंठ उतने ही धन्य होते हैं जितने की सेवा करने वाले हाथ धन्य हुआ करते हैं।